नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेनू कंट्रोल्स के बारे में, कमांड बार कंट्रोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम अगर कोई मैक्रो या यूजर फॉर्म या कुछ बनाते हैं तो उसको अपने इस एडिंस में कैसे रखा जाए। तो जैसे कि मैंने बनाया हुआ है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, कर्सर रखता हूँ, तो देखिए एडिंस में क्या ऐड जुड़ा हुआ है। कर्सर रखता हूँ और कर्सर रखते ही डेटा एंट्री फॉर्म दिखता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एंट्री फॉर्म जो हमने बनाया, ऐसे एंट्री फॉर्म हम मतलब ऐसे जो हम फॉर्म या कोई ऑप्शंस बनाते हैं उसको हर एक्सेल फाइल में हम इसको ऐड करना चाहेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए इसी पे हम आज की क्लास आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम डेवलपर टाइम में जाएंगे, विजुअल बेसिक, और हम एक मॉड्यूल्स को यहां ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है यूजर फॉर्म टू को हम करना चाहते हैं ऐसा। तो हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट बनाएंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एस फॉर्म के नाम से ब्रैकेट ओपनिंग क्लिक किया, सो फॉर्म, और इसमें लिखेंगे यूजर फॉर्म वन डॉट शो। नहीं, यूजर फॉर्म वन नहीं, टू होगा इसमें, यूजर फॉर्म टू डॉट शो बस लिखेंगे। फिर एक और सब्जेक्ट देंगे, उसमें लिखेंगे एस यहाँ पे मेनू ऐड, एम मेनू ऐड के नाम से, एम ऐड के नाम से, और इसमें हम लगेंगे कंट्रोल वार्स का कमांड डालेंगे। तो लिखते हैं कि विथ कमांड वार्स डॉट ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे नेम के जगह पे जो नाम होना चाहिए हम ले देते हैं फॉर्म्स, और यहाँ पे टेम्प्रोली है, टेम्प्रोली को आप फॉल्स कर दीजिएगा। अगर टेम्प्रोली को ट्रू करते हैं तो जब एक बार फाइल ओपन होगी तो ही आपका ये मेनू बार में ऐड दिखेगा, और सिर्फ जैसी फाइल क्लोज होगी ये ऐड हट जाएगा। अगर ट्रू करते हैं तो, फॉल्स करते हैं तो नहीं। फिर हम यहाँ पे दूसरा करेंगे इसी का जो कंट्रोल्स है, हम यहाँ पे विथ लिखते हैं, विथ कंट्रोल्स कंट्रोल्स डॉट ऐड, और यहां पे टाइप जो होगा होगा एम एस ओ कंट्रोल बटन, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और फिर यहां पर लिखें डॉट फेस आईडी इक्वल टू 453, ये इसका आईडी है कैसा दिखना चाहिए, और यहां पे आएगा ऑन एक्शन कि क्लिक करने के बाद इसमें क्या होना चाहिए। फेस आईडी मतलब कि दिखावा कैसा होना चाहिए वो होता है, और इसमें ऑन एक्शन में मैंने बोला एस फॉर्म को रन करना होगा, एस फॉर्म को, और फिर टूल टेक्स आता है मतलब कि वहां पे कर्सर जाने पे क्या दिखना चाहिए। तो हमने लिख दिया यहां पे कि डेटा एंट्री फॉर्म, और फिर मैं यहां पे एंड विथ कर देता हूं, और फिर यहां पे डॉट पोजीशंस की पोजीशन क्या होना चाहिए, तो हम यहां पे बटन बार सिलेक्ट करते हैं तो एडिंग्स में डाल देता है, और यहां पे डॉट एनेबल एनेबल करना है, यस ट्रू, और यहां पे डॉट विजिबल इक्वल टू ऑल्सो ट्रू, और फिर यहां पे एंड विथ, ये हो गया। तो ये फेस आईडी जो हम डाला, फेस आईडी होता है कि एडिंग्स में इस तरह से दिखेगा। तो यहां पे हम आईडी चेंज भी करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसमें इस पे देता हूं मैं 500 तो कैसा दिखेगा, मैं एक बार इसको
इसको सिर्फ इसी को रन कर देता हूं मैं। विथ कमांड बार का बोल रहा है इनवैलिड प्रोसीजर कॉल आर्गुमेंट। अच्छा तो नहीं होना चाहिए। विथ कमांड बार्स डॉट एड एक में रुकिए। फेस आईडी 453 करके देखता हूँ। इससे पहले तो वर्क कर गया। बेसिकली एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार हमारे पास चल चुका है। तो दिक्कत ये होता है, एक बार अगर कमांड बार चल चुका है, उसमें कमांड बार ऐड हो चुका है, तो ये दोबारा नहीं चलता है। दिक्कत यही आ रहा है, एक बार अगर चल चुका है तो दोबारा वो नहीं चलेगा, यही दिक्कत इसमें आ रही है। अब मुझे इस पर एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इस पर हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। तो तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, और मैं एक बार इस पर रिसर्च कर लेता हूँ कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, दोबारा कैसे ऐड किया जाए, तो फिर मैं आपको इसके बारे में आगे अगली वीडियो में बताऊँगा।